क्वेश्चन ये है कि कैपिटल एम मास का एक स्प्रिंग गन है जो स्मॉल एम मास के शॉट को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर और भी वेलोसिटी से फायर करता है, तो फायरिंग के जस्ट बाद सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ गन एंड द शॉट बिफोर फायरिंग एंड दिस इज द सिचुएशन ऑफ गन एंड द शॉट जस्ट आफ्टर फायरिंग। तो हमें फायरिंग के जस्ट बाद सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करनी है। एज्यूम करते हैं कि फायरिंग के जस्ट बाद गन की वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में वी डैश के इक्वल है, ठीक है। अगेन लेट दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन एंड द अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग और पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करेंगे और उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की नेट वेलोसिटी होगी, ठीक है। अगेन वी हैव वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू एम वन वी वन एक्स प्लस एम टू वी टू एक्स डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, ठीक है। एम वन मान लेते हैं गन का मास है, एम टू मान लेते हैं शॉट का मास है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू वी वन एक्स। तो यहाँ पर वी वन एक्स और वी टू एक्स दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग हैं और दोनों विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड है, ठीक है। तो फायरिंग के जस्ट बाद गन की वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में वी डैश है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये माइनस वी डैश हो जाएगा, माइनस वी डैश प्लस स्मॉल एम इंटू वी टू एक्स। तो यहाँ पर वी का कॉम्पोनेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग वी कॉस थीटा होगा, डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। तो हम दो तरीके से कह सकते हैं कि जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। पहला तरीका यह है कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड स्मूथ है, तो एक कन्फर्म है कि सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है तो एक कन्फर्म है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी। मतलब इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो थी, तो एक कन्फर्म है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमेशा जीरो रहेगी, तो इसलिए ये जीरो के इक्वल होगा। दूसरा मेथड ये है कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो सिस्टम का फाइनल मोमेंटम है, ठीक है। अगेन चूँकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो कन्फर्म है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब इनिशियली सिस्टम का मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो था, तो कन्फर्म है कि सिस्टम का मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमेशा जीरो रहेगा। दूसरा से भी ये जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पर जो गन है उस सेल पे कुछ फोर्स अप्लाई किया है और अगेन जो सेल है वो भी गन पर कुछ फोर्स अप्लाई किया है, लेकिन वो दोनों इंटरनल फोर्सेस हैं, ठीक है। इस वजह से सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स हमेशा जीरो है, इसलिए ये जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। अगेन वी हैव वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू एम वन वी वन वाई प्लस एम टू वी टू वाई डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू इक्वल टू, तो हो जाएगा कैपिटल एम इंटू। तो यहाँ पर गन की वेलोसिटी वाई एक्सिस के लोग जीरो है, क्योंकि जो गन है वो हमेशा ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है।
So this is 0 plus small m into v2y. Again, यहाँ पर v का कंपोनेंट पॉजिटिव y एक्सिस को लो, v sin थीटा के इक्वल है. So this is v sin थीटा divided by capital M plus small m. Now we have net velocity of the center of mass of the system equal to root over vcx square plus vcy square. So this implies that velocity of the center of mass equal to, तो यहाँ पर vcx की वैल्यू जीरो है, ठीक है. So this is vcy. So finally we have velocity of the center of mass equal to vcy, that is small mv sin theta divided by capital M plus small m. ये आंसर हो गया, ठीक है. तो यहाँ पर यह समझना इंपॉर्टेंट है कि चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है, इस वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो है. लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में जो ग्राउंड है वो सिस्टम पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसी वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नॉन जीरो है, ठीक है. मतलब फायरिंग के दौरान जो ग्राउंड है वो सिस्टम पर अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई किया है, उसी वजह से सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग नॉन जीरो है. मतलब यहाँ पर जो ग्राउंड का नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है वही सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है. तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया. थैंक यू.